नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। GTPL हेथवे के Q3 के नंबर जस्ट अभी डिक्लेयर हो गए हैं, देखेंगे कैसे नतीजे पोस्ट किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आपसे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो देखिए कंपनी की प्रेस रिलीज आपके सामने है, 13 जनवरी 2022 आज की डेट में नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। 2:10 पर कंपनी की बोर्ड की बैठक खत्म हुई है। स्क्रीन पर कंपनी की कंसोलिडेटेड नंबर्स की शीट मैंने ओपन किया है, अमाउंट सारा शीट में मिलियन में मेंशन किया हुआ है, इसको स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कंपेयर करेंगे सितंबर 21 से लेकर दिसंबर 21 के क्वार्टरली कंपनी की टोटल इनकम को, यानी 3 महीनों के अंतराल से यह अमाउंट सारा जो मिलियन में है। तो 605 करोड़ के सामने कंपनी की इनकम बढ़कर आई है 612.9 करोड़ की, यहाँ बढ़त आपको देखने को मिल रही है। लेकिन कंपेयर करेंगे इसको पिछले साल से, दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 में इनकम यहाँ पर डिक्लाइन आपको दिखेगी, जो कि 655.6 करोड़ के सामने 612.9 करोड़ की इनकम में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। अब बात करते हैं सीधे सीधे कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स एंड एक्सपेंसेस टैक्सेस सारे हटाने के बाद 50.4 करोड़ के सामने क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, जो कि 58.6 करोड़ की है, और ईयरली बेसिस पे भी 52.3 करोड़ से 58.6 करोड़ की इनकम में ग्रोथ आई है। तो इनकम के लिहाज से अच्छे, माफ कीजिए प्रॉफिट के लिहाज से नतीजे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। टोटल एक्सपेंडिचर जल्दी से देखें, 526 करोड़ के सामने 534 करोड़ के कंपनी के खर्चे हुए हैं, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे खर्चे बढ़े हैं, उसके बाद भी मुनाफा बढ़ा है, ये प्लस साइन। और दूसरा देखेंगे 58 करोड़ के सामने, यहाँ ईयरली बेसिस पे कंपनी ने खर्चे कटौती की है, खर्चों में कमी करी है, खर्चे गिरे हैं। तो खैर नंबर इसके ओवरऑल ठीक ठाक से थोड़ा अबव एवरेज कह सकते हैं, क्योंकि इनकम में ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, लेकिन इनकम थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है। देखिए GTPL का डेली चार्ट मैंने ओपन किया है, डेली चार्ट पे लगातार मोमेंटम बहुत ही शानदार स्ट्रॉन्ग है दिया है। पिछले करीब सवा एक डेढ़ साल में देखेंगे तो 50 रुपये से लेके 300 रुपये, यानी करीब 6 गुना के आसपास पैसे को बना चुका है, अच्छे रिटर्न दिए हैं। और डेली चार्ट पे आज के दिन देखेंगे तो स्टॉक फ्लैट ही कारोबार कर रहा है नतीजों के बाद भी। मार्केट खैर नतीजों का भी स्टडी कर भी रहा है, लेकिन कुछ भी खास उछाल ना गिरावट जैसी कोई स्थिति नहीं बनी है। देखिए 270 के पास एक 275 के रेंज में स्टॉक के पास एक सपोर्ट है, 275 से 270 इसको ब्रेक करेगा तो और वीक हो सकता है। और अगला टारगेट जो बात करें आने वाले वीक्स में या दिनों में, आप करीब 300 का एक्सपेक्ट करिए, 300 अगर निकालेगा तो और तेज़ी पकड़ेगा, अदरवाइज इसी रेंज में आपको झूलते हुए देखने को मिल सकता है, जहां पे ये पिछले दिनों से ट्रेड लगातार कर ही रहा है। और एक रेंज बाउंडेड भी ट्रेड हो रहा है, जो कि 250 से लेके 275-80 की रेंज में स्टॉक फंसा हुआ है काफ़ी लंबे समय से। चलिए ये नतीजे बताए इस वीडियो में, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट कर जरूर बताना। अगर आपने बाय कर रखा है, वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।